रुक करते हैं अगली खबर की ओर। अजमेर की बात करते हैं, जहां पर अजमेर दरगाह ब्लास्ट केस में आज तीनों आरोपियों की पेशी हुई। एनआईए मामलों की विशेष कोर्ट ने फैसला 18 मार्च तक के लिए टाल दिया है। आपको बता दें कि धमाके 11 अक्टूबर 2007 को हुए थे। खबर पर अधिक जानकारी के लिए जॉन टीवी संवाददाता राजधानी जयपुर से विवेक हमारे साथ जुड़ गए हैं। जी विवेक, जानना चाहेंगे अजमेर दरगाह ब्लास्ट मामले को लेकर एनआईए की विशेष अदालत में आज तीनों आरोपी पेश हुए। देखिए, एनआईए मामलों की विशेष अदालत में आज फिर सजा पर फैसला टल गया है। अजमेर दरगाह ब्लास्ट मामले में जो है दोषी ठहराए गए भावेश पटेल, देवेंद्र गुप्ता और सुनील गुप्ता को जो है आज कड़ी सुरक्षा के बीच एनआईए कोर्ट में पेश किया गया, जहाँ पर दोनों पक्षों की ओर से जो है उनकी सजा पर बहन थी। पूरे मामले में जो है कोर्ट में एनआईए की ओर से जो चार्जशीट तीनों आरोपियों पर किए गए थे उनको लेकर के बचाव पक्ष ने कड़ी आपत्ति जताई, और बचाव पक्ष के अधिवक्ताओं ने साफ तौर पर कहा कि जिस तरह से अलग अलग सजाएं जो है एक ही मामले को लेकर दोनों पर चार्जशीट किए गए, उसको लेकर के जो है इनको हटाया जाए और एक ही सजा के तहत जो है आरोप माना जाए। लेकिन एनआईए की ओर से पैरवी करते हुए अधिवक्ता अश्विनी कुमार शर्मा ने जो है इस पर आपत्ति जताई। उन्होंने साफ तौर पर कोर्ट में कहा कि हाईकोर्ट की ओर से जो है इस तरह के आदेश पहले पारित किए जाते हैं, जिसमें अगर किसी भी संबंधित भ्रष्टाचार निवारण मामलों को लेकर देखा जाए तो आईपीसी और केंद्र सरकार के जो है उनके दोनों के तहत चार्ज फ्रेम किए जाते हैं आरोपियों पर। तो इसी तरह जो है इस पूरे मामले को देखा जाए तो पूरे मामले को लेकर जो सजा के जो बिंदु थे उन पर जो है कड़ी बहस दोनों पक्षों की ओर से हुई। आपत्ति को देखते हुए जो है कोर्ट ने आज पूरे सजा पर जो फैसला सुनाया था उसको टाल दिया, और एक बार फिर जो है बहस के लिए 18 मार्च की तारीख जो है मुकर्रर की है। पूरे 18 मार्च को जो है दोनों पक्षों की ओर से तमाम बिंदुओं पर सजा के जो बिंदु चार्ज फ्रेम किए गए उन पर चर्चा दोनों पक्षों की बहस होगी। बचाव पक्ष जो है पूरे मामले में हाईकोर्ट और सुप्रीम की ओर से जो पूर्व के आदेश जो पारित किए गए हैं उनकी जो है प्रतिया कोर्ट में पेश करेगा। साथ ही एनआईए जो है पूरे मामले को लेकर दो आरोपियों पर अगर माना जाए तो अब तक जो है उनको उम्र कैद की सजा जो है तय मानी जा रही है। तो वहीं जो तीसरा अन्य आरोपी है उस पर भी जो है अब सजा पर बहस होगी। उस पर जो है बचाव पक्ष की ओर से उनको जो है कम से कम सजा दिलाने की जो है वहाँ पर पैरवी करते नजर आ रही है। वहीं एनआईए की ओर से जो है उनको भी उम्र कैद की सजा या 10 साल की सजा जो है पूरे मामले में कहीं ना कहीं दी जाए इसकी पुरजोर पैरवियां की। तो अभी सभी की नजरें अब जो है 18 मार्च को, आखिर 18 मार्च को अब जो है कोर्ट का क्या रुख होता है। फिलहाल पूरे मामले को लेकर जो फरार आरोपी है उनकी भी जो है प्रॉपर्टी को सीजिंग करने की कुर्क करने की जो कार्रवाई पर फिर एक बार जोर दिया गया। चलिए विवेक, जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे संवाददाता विवेक हमारे साथ जुड़े हुए थे। जैसा कि उन्होंने बताया, अजमेर दरगाह ब्लास्ट मामले में एनआईए की विशेष अदालत में आज तीनों आरोपी पेश हुए, जहां पर विशेष कोर्ट ने फैसला 18 मार्च तक के लिए टाल दिया।